ऑल ओवर सूट सिलने जा रहे हैं जिसका हमने प्लाजो बनाना है। ये हमने उसकी लंबाई ली है, कमीज की लंबाई है हमारी 42, हमने ये 42 पे निशान लगा दिया है। फिर ये हमारा 3 इंच कपड़ा मुड़ाई के लिए है। अब हम इसका तीरा का तीरा लेना हमें 6 इंच का तीरा, जिसका गला डीप होता है उसी हिसाब से कम लेना पड़ता है। तो इसकी ये मोटा ले रहे हैं हम इसका 7.5 इंच का। तो उसकी बाजू की मोटाई ज़्यादा है, मोरी इसकी बाजू की 7 इंच है तो हमें 7.5 लिया है। छाती इसकी 44 इंच है तो मैंने चौथा हिस्सा 11 इंच लिया है। अब हम इसकी कमर लेंगे 14.5 इंच पे हम इसकी कमर लेंगे, कमर इसकी है 40 इंच, चौथा हिस्सा 10 इंच मैंने 10 इंच इसको कमर को यहाँ से थोड़ा सीधा लगा के फिर ऐसे तिरछा लगाएंगे। ये मैंने कमर का और छाती का निशान मिला दिया। अब यहाँ से हमने लेने हैं हिप, हिप लिए हमने 14 इंच पे, हिप इसके 22 इंच तो हमें लेना 11 इंच। ये कमर और हिप को मिला दिया हमने। ये हमें एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच का कटिंग के लिए, ये मैंने मुड़ी का गुलाई का निशान, ये आगे का इससे 1/2 इंच अंदर की तरफ ये आगे का निशान। पहले हम इकट्ठा का कटिंग करते फिर आगे की गुलाई की कटिंग करेंगे। इसका बैक गले की कटिंग कर रहे हैं। ये हमने ऊपर से 2.5 इंच लिया है, ये 2.5 और ये 6 इंच। ये आगे की 1/2 इंच की गुलाई करती है। प्लेट डालते हैं यहाँ पे क्योंकि ना ही तो गला पीछे जाए और ना ही यहाँ पे झोल आए। ये दोनों तरफ हमने 2-2 इंच का निशान लगा दिया प्लेटों का। हमें 15 इंच बाजू तैयार करनी है, ये हमने मोड़ने के लिए लिया है। यहाँ से हमने 3.5 इंच पे गुलाई का निशान लगाना हमारा। ये हमारी मोरी है 5.5 इंच की है तो हमने ये इतना एक्स्ट्रा। ये हमारा मोड़ने से बिल्कुल पता चल जाता जितनी हमने मोरी मोड़नी है, तो ये ऐसे मोड़ के मोड़ने से बिल्कुल सही मोड़ता है। ये हमने इसका गुलाई ये हमारे 2 पार्ट आगे के को आगे की कटिंग। ये हमारे बाजू की सूट की कटिंग हो गई। ये हम प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। हमने ये 4 पीस 2 पीस लिए हैं और ये 2 पीस लिए हैं।
हमने ये फोल्ड कर लिया है। ये हमने इसका ऊपर का हिस्सा 13 इंच लिया है और ये हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए और हमने 12 इंच की आसन लिया है। ये हमने इसकी थाई ली है 16 इंच। ये हमने इसकी मोरी ली है 14 इंच। इसकी लंबाई हमारी 36 इंच है। ये हमने 2.5 इंच मुड़ाई के लिए, मोरी इसकी 16 14 इंच है। ये हमने आगे